पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पर्वतारोही विपिन चौधरी द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद शहर लौटने पर शहर में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया, भारत माता के जयकारे लगाए और धुन पर जश्न भी मनाया गया। शहर में जगह जगह विपिन चौधरी का स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान सभी का कहना है कि विपिन चौधरी की सफलता से शहर के युवाओं को प्रेरणा मिली है। विपिन चौधरी ने न सिर्फ शहर का नाम रोशन किया है बल्कि पर्वतारोहण के क्षेत्र को अपनाने के लिए उम्मीद भी जगी है। इस दौरान विभिन्न कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम विपिन चौधरी है और मैं अभी परसों ही वापस लौटा हूँ। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पर भगवा ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज, अपना तिरंगा, दोनों फहरा। ये मेरा पूरा 50 दिन के आसपास का सफर रहा है। मैं जिस भी चोटी के ऊपर गया हूँ, मैंने वहां दोनों ध्वज फहराए। मैं अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रस, सिक्किम की रेनॉक, उत्तरकाशी की DK-D2 और भी कई सारे अन्य ट्रैक्स मैं लीड कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सपना था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मैं अपना राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ भगवा ध्वज को ही फहराऊं, तो मेरे जीवन का सपना पूरा हुआ है, तो बड़ा गौरवान्वित और गर्व महसूस करता हूँ। और आगे जो जैसे कि 7 summits का एक चैलेंज रहता है, उसके अंदर मेरे 3 summits पूरे हो गए, बाकी 4 रह गए, वो मेरा आगामी लक्ष्य है। जनता से यही अपील करूंगा कि ऐसा, जैसा कि इस क्षेत्र के बारे में वो समझते हैं कि काफी डेंजरस है, थोड़ा डेंजरस तो है, लेकिन अगर हम सावधानी रखेंगे तो सावधानी के साथ साथ बड़े आसानी से हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं।